दोस्तों, चैनल अजय कार सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो टॉप मोस्ट नीडेड 5 कार एसेसरीज के बारे में, जैसे भी आप नई गाड़ी लेते हैं जैसे ही, तो उसमें जो सबसे पहले 5 सबसे ज़रूरी एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं, आज उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये वीडियो हम उसी को लेकर बना रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी एसेसरीज। ये मैं आपको मैट्स की वैरायटी के बारे में बताऊँ। शुरू करते हैं हम अपने फुट मैट्स से। ये देखिए प्लास्टिक मैट्स हैं, जो अपना आजकल जैसे बारिश का सीज़न है तो मैं बारिश में जैसे प्लास्टिक मैट्स वगैरह रफ़ एंड टफ़ मैट हैं, गीला कपड़ा मारा धो दिया, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना। ये मैट्स हो गया। इसमें मैट्स में हमारी दूसरी वैरायटी है ट्रे शेप में मैट्स। जैसे कि देख सकते हैं मैंने पहले मैट दिखाया, ये फ्लैट मैट होता है। इसी में अगर जैसे थोड़ा सा ट्रे शेप में आजकल 3D मैट जिसको कहते हैं, 3D मैट की वैरायटी भी आती है। इसमें जो है अपना डस्ट वस्ट स्लिप करके नीचे नहीं जाती। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर क्वालिटी का मैट है। ये आपके आगे का पीछे का, इसमें पूरा आगे पीछे 5 पीस का सेट होता है, अपना फ्रंट और रियर रो का। ये आपका प्लास्टिक मैट हो गया। एक आपको मैट में एक और नई चीज़ दिखाता हूँ, आजकल ये मैट काफ़ी चल रहा है। ये देखिए इसको हम डबल लेयर मैट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें होल्स आप देख रहे होंगे जैसे नज़र आ रहे हैं, इसमें हम पैर जब रखते हैं तो डस्ट वगैरह इसी के अंदर चली जाती है, और इसको हम क्लीन करने के लिए बड़ा ईजी प्रोसेस है। इसमें जैसे देखिए ये डबल लेयर है, इसमें हमने इसके ऊपर की मैट की लेयर हटाई और इसको झाड़ दिया, गीला कपड़ा हमारा साफ़ कर दिया और अपना ये इसको लेयर को बंद करके ये वापस अपना गाड़ी में फिट कर दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मैट है और बहुत चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसमें क्या है कि जैसे आप एक दो दिन साफ़ नहीं भी करते तो मिट्टी आपको ऊपर नज़र नहीं आएगी, अपना इसके अंदर ही रहती है। अपना कभी भी जब आपको टाइम मिले या जब भी गाड़ी वाला आता है उसको खोल के निकाल के साफ़ कर दिया। फिर इसके बाद आइए देखिए ग्रास मैट है, ये भी बहुत अच्छा मैट है। ये जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे जिसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत रनिंग होती है, सुबह शाम काफ़ी माल मूल रखना होता है, कुछ भी मतलब काफ़ी रफ़ यूज़ होती है, तो उसके लिए ये मैट काफ़ी अच्छा यूज़फुल है। इसमें भी ऐसा है कि डस्ट वस्ट जैसे आप 2-4 दिन मैट साफ़ नहीं कर पाते या तो कुछ भी अपना डस्ट वस्ट नज़र नहीं आती, इसी के अंदर रहती है। बाकी वॉशेबल है, इसको अपना धो के आप वॉश करके दोबारा से डाल सकते हैं। ये तो हमारे जो नॉर्मल मैट्स की वैरायटी होगी। फिर इसके बाद 70 ये वो सब कैटेगरी के मैट हैं। ये देखिए हमारा 3D मैट है GFX का, ये भी बहुत सुंदर मैट है, ये भी आजकल काफ़ी डिमांड में है। ये आपको हर गाड़ी का हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जैसे 3D के बाद आ जाता है 5D कैटेगरी का मैट है। जैसे 3D में आपका है कि थोड़ा सा साइड वॉल थोड़ी सी कम उठी हुई है, इसमें जो है साइड वॉल ज़्यादा उठी हुई है। ये हमारा 5D मैट आ गया, ये अपना सीट के आगे से पीछे की तरफ भी आ जाता है, ये भी बहुत बढ़िया मैट है। ये सब वॉशेबल मैट हैं, अपना ईजी टू क्लीन है, गीला कपड़ा मारो, सर्फ वाला कपड़ा मार दो, धो दो, अपना विद इन अ मिनट 2 मिनट साफ़ भी हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसके बाद ये 70 मैट आ गया। 70 मैट आजकल काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है 70 मैट है। इसमें डबल मैट होता है, इसमें जो होता है कि अपना लेदर मैट सारा पूरा आपका नीचे कारपेट कवर कर लेता है। उसके बाद ये ग्रास मैट है, इसको जैसे हम निकाल के ये झाड़ भी सकते हैं, डिटैचेबल होता है ऊपर का पार्ट। ये हमारा 70 मैट हो गया, तो ये आपका 100% कवर जो है अपना कारपेट कवर। लास्ट एक और हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं जैसे ये पूरी हमारे पास गाड़ी की फ्लोरिंग भी आती है। कई लोग कहते हैं हमें पूरा गाड़ी का जो नीचे का कारपेट है वो बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट रखना है, बिल्कुल उसमें कहीं से डस्ट वस्ट ना जाए, तो ये हम ये पूरी सीट्स गाड़ी की उतार के उसमें फुल फ्लोरिंग भी कर देते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, देखिए देख सकते हैं अभी तो जैसे हमारे पास गाड़ी में ये इस फ्लोरिंग को बिछाने के बाद, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको प्लास्टिक मैट दिखाया था, फ्लोरिंग बिछा के आप प्लास्टिक मैट भी ऊपर रख सकते हैं, तो बहुत अपना बढ़िया उसमें बहुत सही रहेगा। तो ये सारी हमारी मैट्स की वैरायटी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कार एसेसरीज की तरफ। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं हमारे फुट मैट तो हो गए, उसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे हाथ में जो फ़ोन होता है उसको हम कहाँ रखें, किधर रखें, डैशबोर्ड पे इधर उधर हम जगह देखते हैं, तो जो सबसे दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ़ोन को रखने के लिए, तो वो है ये मोबाइल स्टैंड्स। और मोबाइल स्टैंड्स में मैं दिखाता हूँ आपको हमारे पास कितनी तरह की वैरायटी है। ये देखिए ये मोबाइल स्टैंड है, इसमें मैं आपको मोबाइल रख कर दिखाता हूँ। ये हमारा ये ओपन ऑफ वाला ये मोबाइल स्टैंड है, इसमें ये मोबाइल स्टैंड है, उसके बाद ये हमारे पास मोबाइल स्टैंड है, और ये दूसरी क्वालिटी है, सारे ही टॉप क्वालिटी के टॉप ब्रांड्स वाले मोबाइल स्टैंड हैं। ये देखिए इसमें नीचे सपोर्ट भी है, ये अपना ये रखा, ये बंद हो गया। हर एक मोबाइल स्टैंड के 6 मंथ्स की रिप्लेसमेंट गारंटी है। ये देखिए कितना सुंदर मोबाइल स्टैंड है। इसको जो हमारा सबसे बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला मोबाइल स्टैंड है, ये मैग्नेटिक मोबाइल स्टैंड, सारे ही बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के, सारे टॉप ब्रांड्स के मोबाइल स्टैंड्स हैं। इसमें किसी में किसी तरह, जैसे लोग कई रोड साइड पर खरीद लेते हैं, कंप्लेंट करते हैं भाई वैक्यूम ख़राब हो जाता है, हमारा मोबाइल स्टैंड 1 महीने नहीं चलता, 2 महीने चलता, इन सब मोबाइल स्टैंड की 6 मंथ्स की रिप्लेसमेंट गारंटी है बस। और सिर्फ ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी वैक्यूम किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका एंड टू एंड रिप्लेसमेंट है। तो ये देखिए ये जो हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला मोबाइल स्टैंड है,
ये इसके साथ ये मैग्नेटिक मोबाइल स्टैंड एक मेटल का पीस आता है, इसको हम अपने फ़ोन के अंदर डाल लेते हैं। जैसे हमने फ़ोन के अंदर मैग्नेट का पीस डाला और इसके बाद ये देखिए, ये जैसे मर्जी आप अपने बिना किसी ट्रबल ना खोलने का झंझट ना कुछ करने का झंझट, देखिए कितने तरीके से। और बहुत ही इसकी जो पकड़ है बहुत ही मजबूत है, देखिए जितना मैं कितनी ज़ोर से हिला रहा हूँ, इसमें कोई गिरने विरने का कोई झंझट नहीं। लोग सोचते हैं मोबाइल गिर जाए मैग्नेट पर कुछ हो जाए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। इसके बाद ये एक और स्टफ फुल का, जैसे अभी हमारे छोटे हैं विदाउट, जिसको थोड़ा सा लंबा बिल्कुल हाथ तक चाहिए हो, तो इसमें ये रॉड वाला मोबाइल स्टैंड भी है। तो ये सारे हमारे मोबाइल स्टैंड हैं, इनकी भी रेंज हमारी बेसिकली जो है 200-250 से स्टार्ट होकर 800-900 रुपये तक की रेंज आ जाती है। तो ये सारे मोबाइल स्टैंड भी आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अपनी थर्ड एसेसरीज की तरफ। तो अब गाड़ी में मोबाइल रखने का हमारा जुगाड़ बन गया। अब उस मोबाइल को ऑब्वियसली गाड़ी में जब मोबाइल रखा, मोबाइल यूज़ भी होगा, किसी को नेविगेशन के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है, किसी को ब्लूटूथ पे सॉन्ग सुनने के लिए होती है, ब्लूटूथ पे कॉलिंग भी होती है, किसी को यूट्यूब वगैरह देखने के लिए, तो मोबाइल को अब उसका चार्ज करने का भी रखना है। वैसे तो टॉप एंड गाड़ी में आजकल जो है अपने वायरलेस चार्जर आ रहे हैं, बट ठीक है मैक्सिमम गाड़ी में चार्जर नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम उसमें भी दिखाते हैं, उसका भी हमारे पास सारा अरेंजमेंट है। ये देखिए हमारे पास चार्जर्स की काफ़ी रेंज है। ये हमारा चार्जर है, ये ऑटोमैक्स कंपनी का चार्जर, चार्जर भी हमने सारे ब्रांडेड रखे हैं, सारे बेस्ट ब्रांड्स रखे हैं। ये देखिए इसमें ये अपना 4.8 एम्पीयर का चार्जर है, इसके साथ हमारे पास जो है 3 पिन ये अपना मल्टी वाली लीड है, ये देख सकते हैं आप चार्जर घर डबल पॉइंट वाला चार्जर है अपना। और एम्पियर इसकी चार्जर खरीदते समय एक एम्पियर का जरूर ध्यान रखें कि उस कितनी एम्पियर का। कई लोग कंप्लेंट करते हैं यार हमारा फ़ोन तो चार्ज हो नहीं रहा, तो उसमें एम्पियर आप देखेंगे एम्पियर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे वैसे चार्जर 1 एम्पियर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा ज़्यादातर कोशिश करिए 2.4 एम्पियर से या उससे ऊपर का चार्जर लेने की कोशिश कीजिए, इसमें आपके मोबाइल की चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इसमें 3 लीड है, इसमें आईफोन एंड्रॉयड और टाइप सी सारा अपना ये देख सकते हैं। ये तो हो गया मल्टी पिन के साथ। फिर उसके बाद अगर जैसे जिसको लीड की ज़रूरत नहीं, हमारे पास विदाउट लीड भी आते हैं, इसमें हमारे पास टफ कूल ब्रांड है, इसमें भी ये 2.4 एम्पीयर का चार्जर है। ये फिर इसी में विद लीड आता है, इसमें लीड की ऑप्शंस होती है आपकी चॉइस के हिसाब से, जैसे किसी को एंड्रॉयड की चाहिए एंड्रॉयड की मिल जाएगी, टाइप सी की टाइप सी की 3.4 एम्पीयर में। ये सबसे हमारा बेस्ट क्वालिटी का चार्जर है ब्लॉपंग कंपनी का, ये जो है आपका 5.4 एम्पीयर में चार्जर 3+2.4। इसके साथ भी हमारी देखिए लीड बहुत शानदार लीड इन्होंने कंपनी ने दे रखी है, चार्जर की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। और इसमें लीड भी देखिए इसमें टाइप सी और एंड्रॉयड की दे रखा है, इसमें जैसे आपको टाइप सी जो टाइप सी और साथ में जो एंड्रॉयड की केबल भी है। फिर ये भी आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो चार्जर की रेंज 200 रुपये से लेकर 800-1000 तक की रेंज में स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारे सारे टॉप मोस्ट ब्रांड है, ऑटोमैक्स हो गया, स्टफ कूल हो गया, टोरेटो हो गया, सब तरह के, और ये ब्लॉपंग हो गया, सब तरह के चार्जर्स की हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। ये तो हमने जो है अपने यहाँ नॉर्मल जो है लाइटर वाले पॉइंट पे लगने वाले चार्जर हैं। बाकी आजकल कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जिसने जैसे टॉप मॉडल गाड़ी नहीं लेते, जो बेसिक मॉडल या सेकंड थर्ड वर्जन वाला मॉडल लेते हैं, उसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता। कई लोग कहते हैं यार हमें भी वायरलेस चार्जर चाहिए, तो हमारे पास उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए ये वायरलेस चार्जर जैसे क्रेटा सेल्टोस में आजकल आ रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी गाड़ियों के वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल हैं। ये अपना बहुत ईजी टू अपना बहुत ईजी इंस्टॉलेशन होती है, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, ये देखिए ये वायरलेस चार्जर है, हर गाड़ी का अलग चार्जर आता है अपना। ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है, ये भी बहुत इजीली फिटिंग हो जाती है इसकी। तो ये भी अगर आपकी वायरलेस चार्जर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और ब्रांड भी बहुत अच्छा GFX कंपनी का विद वारंटी, 1 ईयर वारंटी के साथ। हर एक चार्जर की भी हमारी 6 महीने से लेकर साल तक की गारंटी है, कोई भी हमने बिना गारंटी वाला और हल्की क्वालिटी का कोई भी हल्का प्रोडक्ट नहीं। चलते हैं अब अपनी फोर्थ एसेसरी की तरफ। अब गाड़ी में हमारा जो मैट का भी हो गया इंतज़ाम, मोबाइल स्टैंड रखने का इंतज़ाम हो गया, उसका चार्जिंग इंतजाम हो गया, उसके बाद अब गाड़ी में जैसे भी आप चाहे नई गाड़ी है चाहे पुरानी गाड़ी, हर कोई चाहता है उसकी गाड़ी में अच्छी सी परफ्यूम की अच्छी सी फ्रेगरेंस रहे, कोई भी बैठे तो उसको अच्छी फील आनी चाहिए, फ्रेगरेंस से भी एनवायरनमेंट का काफ़ी वो रहता है। तो इसमें हमारे पास परफ्यूम्स की भी देखिए बहुत सारी रेंज है, इसमें काफ़ी सारी रेंज है हमारे पास, जैसे इसमें जो है जेल में है परफ्यूम्स हमारे पास, लिक्विड परफ्यूम्स हैं अपना, हैंगिंग परफ्यूम्स हैं, अंडर द सीट परफ्यूम्स हैं। ये देखिए आजकल जैसे इस टाइप के परफ्यूम्स बहुत चल रहे हैं कि जेल पैड है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, इसको आप सीट के नीचे रख दीजिए, साइड पॉकेट में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है, इसकी लाइफ भी अपना 2-2.5 महीने आराम से इसकी फ्रेगरेंस रहती है। अगर सीट के नीचे रखना चाहते हैं जैसे कार होल्डर में जो है जो अपना ग्लास होल्डर है उसमें रखने वाले परफ्यूम्स हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी रेंज है, इसमें 5-6 तरह की फ्रेगरेंस आती है। किसी को जैसे कई लोग कहते हैं नहीं हमें डैशबोर्ड पे शो के लिए चाहिए, तो उसमें पास लिक्विड और जेल की हमारे पास डैशबोर्ड पे रखने के लिए रेंज है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे ये जेल परफ्यूम्स हैं, इसकी लुक भी देखिए कितनी शानदार लुक है, और रखने में भी रखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा, देख सकते हैं आप। गोडरेज की हमारे पास पूरी रेंज है, जैपनीज़ परफ्यूम्स हैं,
तो ये सारे परफ्यूम्स की भी हर एक कैटेगरी का, मतलब हर एक आपके प्राइस रेंज के हिसाब से परफ्यूम की अपना हमारे पास जो रेंज अवेलेबल है। एसी वाला देख सकते हैं, एसी वाला परफ्यूम भी है, एसी वाले में हमारे पास और भी बहुत वैरायटी है जैसे, तो सारे तरह के परफ्यूम्स भी आपको हमारे पास यहाँ पर मिल जाए। आज की लास्ट एसेसरी जो है वैक्यूम क्लीनर, कार वैक्यूम क्लीनर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें गाड़ी में। तो हमारे पास जैसे गाड़ी साफ़ करने वाले सबके घर में ही लगे होते हैं, बट वो जो है सबकी कंप्लेंट रहती है कि रोज़ गाड़ी वाला अंदर से गाड़ी साफ़ नहीं करता, तो उसके लिए हमें तो भाई प्रॉब्लम होती है जैसे कैसे गाड़ी साफ़ करें, तो उसमें थोड़ा सा उस परेशानी को दूर न करेंगे। तो वैक्यूम क्लीनर भी हमारे पास अवेलेबल है अपना, है बहुत ईजी टू यूज़ है। इसके आप देख सकते हैं ये अपना ये रॉड भी है, ये ब्लॉकपंग कंपनी का वैक्यूम क्लीनर, कोई हल्की क्वालिटी का चाइनीज़ वैक्यूम क्लीनर नहीं है, बहुत ही बढ़िया वैक्यूम क्लीनर है। इसको हम अपना जो है लाइटर वाले सॉकेट पर लगा कर अपना बहुत ईजी, बस अपना दिन में जब फर्स्ट टाइम आपको गाड़ी निकालते हो मॉर्निंग में, तो अपना एक बार इसको यूज़ कर लिया, सारी जो डस्ट वस्ट जो सब अपने अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी मार्केट में वैक्यूम क्लीनर बहुत तरह के आते हैं, पर उसमें भी जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं यार पावर नहीं है, ये नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा अच्छे से मिट्टी साफ नहीं हो, तो ब्लॉपंग कंपनी का ब्रांडेड वैक्यूम क्लीनर रखा जो जर्मन ब्रांड है, और बहुत ही अच्छे से इसका काम होता है, बैटरी पर कोई इसका खास इफेक्ट भी नहीं पड़ता, तो अपना आप ये वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत रीज़नेबल रेंज में वैक्यूम क्लीनर है। तो ये आज की हमारी लास्ट एसेसरी थी। तो दोस्तों ये तो हमने आपको अपनी सारी पांचों एसेसरीज के बारे में आपको आज बता दिया। थोड़े थोड़े दिन में अपनी नई वीडियो डालते रहेंगे, उसमें जैसे और गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज होती हैं, क्या क्या आपको क्या क्या वैरायटी है, किस तरह की एसेसरीज मिल सकती है, उन सबके बारे में। ये थी हमारी आज की टॉप 5 मोस्ट नीडेड कार एसेसरीज। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो जितनी भी हम एसेसरीज अपनी वीडियो में डाल रहे हैं, जो इन फ्यूचर में जो भी डालेंगे, तो हमारी जो उसकी है अपना होम डिलीवरी भी हम प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं आपको यहीं पर आके एसेसरीज परचेज करनी पड़े, वैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो हाँ वैरायटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर ठीक है जो नहीं आ सकते तो हमारे पास होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप अपना मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर और नाम दिया हुआ है, तो आप फ़ोन करके उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपस में जो बात करके जो भी है उसका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह बता के आपको जो है डिलीवरी वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं कि नहीं आ सकते, तो जो भी है। और हाँ उसके बाद भी कई बार कई जैसे ऑनलाइन साइट में होता है डिलीवरी के बाद प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ निकला है कुछ वो हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर आपको पूरा क्वालिटी एश्योरेंस के साथ प्रोडक्ट मिलेगा और प्राइस और क्वालिटी की पूरी गारंटी होगी। तो एक बार मौका दीजिए, देखिए आप प्रोडक्ट मंगा के देखिए, तो आपको जो भी है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।